रहे थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, इसी में कुछ और आप देख लीजिए। जैसे अगर हम ऐसे लिखे अंडरग्राउंड स्टेम अगर हम लिखते हैं, इसमें आता है राइजोम कॉर्न बल और ट्यूबर। तो दो आपको हम बता चुके हैं, कॉर्न कहाँ होगा कोल में, जिसको आप कहते हैं अमॉर्फोफैलस, इसमें हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉर्न के द्वारा रिप्रोडक्शन कहाँ होगा, तो आप एक एग्जांपल तो कोल दे सकते हैं। दूसरा एग्जांपल कॉल्चिसिन कहाँ से ऑब्टेंड होता है, ये क्वेश्चन होता है। आप बताएं कॉल्चिसिन कहाँ से उत्पन्न होगा, क्रोकस से। क्रोकस भी कॉर्न का एग्जाम्पल है एंड क्रोकस इज द सोर्स ऑफ कॉल्चिसिन। क्वेश्चन कॉल्चिसिन इज अ म्यूटाजेनिक एजेंट दैट कॉजेस पॉलीप्लॉइडी आई मीन डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर, जो क्रोकस के कॉर्न से या सीड से मिल सकता है। बल्ब के लिए एग्जाम्पल है ओनियन और गार्लिक, इसके अलावा लीफ यहाँ हो सकता है। ये सब आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। अंडरग्राउंड स्टेम के बाद है सब एरियल और एरियल स्टेम। अभी हम आपको सब एरियल स्टेम के बारे में बता रहे थे, सब एरियल स्टेम में आएगा हमें स्टॉलॉन ऑफसेट एंड लास्ट इज सेकंड। इसमें से दो हम आपको बता चुके हैं। अब स्टॉलॉन के लिए कहाँ होगा स्टॉलॉन, कहाँ बनेगा स्टॉलॉन, बनेंगे स्ट्रॉबेरी में। अब स्टॉलॉन के अलावे होगा सकर, सकर कहाँ होगा क्रायसैंथेमम में। मिंट में पुदीना में आपको ऐसा मिलेगा सकर। ये सब भी आपसे पूछा जा सकता है, ये सब पढ़ेंगे आप जब मॉर्फोलॉजी रूट स्टेम लीफ, जब आप स्टेम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा एरियल। तो ये सब नाम आपको हमने सुना दिया है। अब हर प्लांट्स में कुछ और मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने का, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। Flowering plants, angiosperms. अगर आप angiosperms को देखिए, तो angiosperms में आपको क्या मिलेगा? तो angiosperms में cutting के द्वारा हो सकता है reproduction। आप किसी भी stem को कट करके बना सकते हैं, जैसे कि हम आपको रोज में बताए थे। रोज के अलावा आप शीशम में कर सकते हैं ऐसा, पटल परवल में ऐसा कर सकते हैं, स्वीट पोटैटो शकरकंद में ऐसा कर सकते हैं, रोज स्वीट पोटैटो। पटल परवल एटसेट्रा इस सब में काट के लगाया जाता है छोटे छोटे, जैसे एक स्टेम लीजिए और इसको आप कट कर दीजिए, जितना टुकड़ा होगा उसे आप नया प्लांट बना सकते हैं। कटिंग के अलावा है बड ग्राफ्टिंग, और बड ग्राफ्टिंग रोज में कराया जाता है। आप रोज का एक प्लांट लीजिए और उस पर कट ऐसे कीजिए कि वो सेंट्रल पार्ट तक आ जाए, क्योंकि इस प्लांट के स्टेम के सेंट्रल पार्ट पर आपको मिलेगा क्या भी, तो कैम्बियम तक के हिस्से को काट के हटा देना है और सेम डिजाइन का एक दूसरे प्लांट से जो बड है बना हुआ नोड पर, सोचिए नोड पर एक बड बना हुआ है, इसको ऐसे काटेंगे सेम डिजाइन के लिए कट करके यहाँ आ जाए
अब सोचिए सेम डिजाइन में अगर ये आ जाएगा यहाँ, इसको हम इसलिए यहाँ पर इस बर्ड को ग्राफ कर सकते हैं, ये बर्ड है, तो ये बर्ड यहाँ पर अगर हम लगा दें, सेट कर दें इसे और बांध दें थ्रेड से, तो फिर नया प्लांट तैयार हो जाएगा। कहेंगे ऐसा करने से क्या फायदा है? फायदा ये है कि एक ही रोज के प्लांट में आप कई प्रकार का नया नया बर्ड लगा करके और फूल निकाल सकते हैं। जैसे रेड रोज आपके पास है, येलो नहीं है, व्हाइट नहीं है, किसी के यहाँ है तो किसी के यहाँ का आप व्हाइट रोज का बर्ड काट के लाइए या फिर येलो रोज का बर्ड काट के लाइए, तो आप उसको ला करके अपने वाले रोज में ऐसा डिजाइन काट करके उसको सेट कीजिए, थ्रेड से बांध दीजिए। लेकिन कैम्बियम का काट के रखना जरूरी है, क्योंकि कैम्बियम ग्राफ्टिंग के लिए आवश्यक होता है, बिना कैम्बियम का ग्राफ्टिंग नहीं होगा। यानी जिस प्लांट में कैम्बियम होगा, जैसे डैकवॉट में होगा कैम्बियम, तो सारे डैकवॉट में पॉसिबल है कि ग्राफ्टिंग होगा। तभी आप बड़ ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, लेडिंग करवा सकते हैं। आप देखते होंगे लोग एक प्लांट के नीचे वाले हिस्से से जो स्टेम निकला है उसको देखिएगा, लोग मिट्टी में दबा करके नया प्लांट बना लेता है। अब कुछ दिन के बाद अब इसको मिट्टी से ढकेंगे तो देखिएगा इसमें से रूट निकल जाएगा। बाद में इसको कट कीजिए, सेपरेट कर लीजिए, तो आपने मिट्टी का ऊपर से लेयर चढ़ाया, ढक दिया मिट्टी से, तो आप उसको कहेंगे लेयर। इसके अलावा अगर ऐसा ही लेयरिंग हम हवा में करें तो आप उसको एयर लेयरिंग कहेंगे या आप कहेंगे गुटिंग। देखिए नेक्स्ट आ जाएगा एयर लेयरिंग या गुटिंग। एयर लेयरिंग या आप इसको क्या कहेंगे गुटिंग। तो एयर लेयरिंग और गुटिंग कहां होगा? आप करेंगे इसको गोवा में, अमरूद में आप ऐसा करते हैं। अमरूद का गोवा का जो प्लांट है वो काफी बड़ा होगा। अब इसके एक ब्रांच को आप क्या करेंगे, मिट्टी से और कपड़े से बांध देंगे हम मिट्टी को, ताकि मिट्टी नीचे ना आए। अब देखिए इसमें लीफ निकला हुआ है ऊपर, इसको आप चाहते हैं कि हम लगा लें और इसको ऊपर वाले ब्रांच से कोई मिट्टी वाला बर्तन में छेद करके पानी भरते रहिए, और पानी जब इस पर गिरता रहेगा बूंद बूंद, जिससे मिट्टी भीगती भी रहे, तो उस पर कुछ दिन के बाद रूट आ जाएगा। बाद में इसको यहाँ से कट करके आप एक सेपरेट प्लांट बना सकते हैं। तो आप हवा में ऐसा कर रहे हैं, इसके नाम क्या हो जाएगा, एयर लेयरिंग। इसके अलावा है स्टेम ग्राफ्टिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है स्टेम ग्राफ्टिंग। फिर वर्ड आ गया ग्राफ्टिंग, और ये स्टेम ग्राफ्टिंग सबसे ज्यादा हम लोग मैंग्रोव में और लीची में करते हैं। आप देखते होंगे कि हम लोग खोज करते हैं एक अच्छे क्वालिटी के मैंगो वाले प्लांट का, जिसका फ्रूट और फ्लेवर साइज टेस्ट सब अच्छा होता है, तो आप उसको कहते हैं सियोन। गुड क्वालिटी फ्रूट फॉर्मिंग, गुड क्वालिटी फ्रूट फॉर्मिंग प्लांट पॉट। और सेकेंड लेते हैं आप स्टॉक, और स्टॉक जो होता है वो होता है एडवांस रूट फॉर्मिंग पॉट। जिसके रूट ज्यादा एडवांस होते हैं, टैप रूट हो तो बेस्ट होगा। अब आप देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, दो प्लांट लेंगे, दो गमले में लगा हुआ। अब सोचिए इसमें जो आपका एक प्लांट है वो गुड क्वालिटी फ्रूट फॉर्मिंग है, और दूसरा इसके बगल में जो गमला है उसमें एक जिस मैंगो का हिस्सा खा गए हो उसके गुठली को डाल दीजिए, इसमें से ये निकलेगा पॉट।
इसमें से एक ब्रांच निकाल लेते हैं ऐसे, इसके भी ब्रांच को आप देखिए, और दोनों के ब्रांच को आप छिल करके, कहां तक छिलना है आपको समझ में आ रहा होगा, कैंबियम तक छिलना है, कहां तक, कैंबियम तक छिल करके इसको क्या करेंगे, बांध देंगे हम। तो ये किसको हम इसमें से हम स्टॉक कहेंगे, किसको हम क्या कहेंगे, सियोन कहेंगे, ये जरूरी है। ये गुड क्वालिटी फ्रूट है, तो ये हो गया सियोन, और इसका रूट बेटर होगा तो आप उसको कहेंगे स्टॉक। इसका हमको रूट चाहिए, इसलिए इसका ऊपरी पार्ट जो होगा उसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे इसको। अब यहां से कट कीजिए, इसका ऊपरी पार्ट आप यहां से इस हिस्से को भी काट के हटाइए, और इसको भी काट करके हटा दीजिए, क्योंकि इसकी हमको जरूरत नहीं है। हमको जरूरत है इस पार्ट की, जिस पर की भविष्य में फ्रूट्स लगेंगे। इसका नीचे का पोर्शन कट कीजिए, इसका ऊपर का पोर्शन कट कर दीजिए। अब तो एक सेपरेट प्लांट बन करके ऐसे तैयार होगा, जो देखने में आपको ऐसे लगेगा। इधर से ये पोर्शन कट करके अलग हो गया, और जिस पर ये आपके नए नए लीफ सब हैं, देख लीजिए। अब ये आपका एक प्लांट तैयार हो गया। अब इसको आप गमले को लगा दे, या खुद इसमें से प्लांट को निकाल करके आप कहीं पर लगा दे, ये अच्छा क्वालिटी का क्या देगा, फ्रूट देगा। दैट इज ग्राफ्टिंग मेथड जो हमने आपको बताया। तो ये कई प्रकार से आप क्या करा सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर देख रहे हैं सब में हमने किसका यूज किया, सोमैटिक प्लांट पार्ट का। प्लांट के पार्ट को काट के हो, लेयरिंग करके हो, ग्राफ्टिंग करके हो, बूटिंग करके हो, हमने तैयार किया। आप उसको क्या कहेंगे, क्या आंसर होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या नाम होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लेयरिंग जो हम आपको बता रहे थे, तो लेयरिंग हम लोग खास करके लेमन और पोमग्रेनेट में करते हैं। कहाँ, लेमन एंड पोमीग्रेनेट यहां किया जाता है। अब हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए पहले हमको कुछ टर्म्स चाहिए जिसको जानना आवश्यक होगा। तो चलिए आज हम कुछ टर्म्स केवल आपको समझाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल्स जानकारी देंगे। अब आप कुछ टर्म्स ऐसे समझेंगे, जैसे हम एक ही प्लांट पर एक मेल सेक्स ऑर्गेन को एक फीमेल सेक्स ऑर्गेन को दिखला रहे हैं। ये सिंबॉल मेल के लिए होता है, ये सिंबॉल फीमेल के लिए होता है। एक ही प्लांट पर मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गेन होगा, तब आप ऐसे प्लांट को कहेंगे मोनोसीज। ऐसे प्लांट का नाम आप क्या देंगे, मोनोसीज। और आप ऐसे लिखेंगे व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट पर अगर ऐसा होगा तब आप इसका नाम देंगे मोनोसियस प्लांट। तो चलिए देखते हैं मोनोसियस प्लांट का एग्जांपल क्या हो। मेज को देखिए, कोकोनट आएगा, काढ़ा आएगा, कुकुरबिट्स आएगा,
ये प्लांट क्या होगा? मोनोसियस का। अब जैसे मेज को अगर आप देखते हैं तो मेज में जो लीव्स होते हैं आप देखते होंगे ऊपर में फ्लावर जो होता है वो मेन वाला होता है, और जहां से भुट्टा निकलना रहता है जहां से आपकी भुट्टा खाते जो है मक्का का, इसमें से मूंछी निकला रहता है वो फीमेल को इंडिकेट करता है। तो एक ही प्लांट पर मेज में हम आपको मेल फीमेल दोनों दिखा रहे हैं, सेक्स ऑर्गन है, तो हम इसको क्या कहेंगे? मेज प्लांट। काड़ा का भी फिगर आपके बुक में दिया हुआ है, आप अगर ठीक से देखिए तो काड़ा में एक सेक्स ऑर्गन ऐसे दिखलाया गया है, एक सेक्स ऑर्गन को ऐसे दिखलाया गया है। तो जो ऐसा सेक्स ऑर्गन बना के दिखलाया गया है ये क्या है? फीमेल। और नीचे में जो ऐसा बना के दिखलाया गया है वो है मेल। ग्लोब्यूल और नुपुल। ग्लोब्यूल और नुपुल काड़ा के केस में एक ही प्लांट पर है, तो आप इसको भी क्या कहेंगे? मोनोसियस। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है काड़ा में कि मेल सेक्स ऑर्गन ऊपर होते हैं कि फीमेल, तो फीमेल ऊपर होता है, मेल वाला पार्ट नीचे होता है। आपके बुक में अच्छा फोटो बना हुआ, कंपेयर करके देख लीजिएगा। फीमेल को कहते हैं आप ओगोनियन, ग्लोब्यूल को कहेंगे एंथ्रेडियम। ये एंथ्रेडियम होगा और नुपुल को क्या कहेंगे? ओगोनियम। अब अपने केस को देखेंगे तो आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। सेम अगर किसी एनिमल में ऐसा हो तो वो कहेगा, वो क्या कहलाएगा? मोनोसियस एनिमल। चलिए हम लोग ना मोनोसियस एनिमल को देखें। मोनोसियस एनिमल्स में कौन आएगा? इसके लिए एग्जांपल आएगा अर्थ फॉर्म। इसके लिए आएगा स्पंजेस सैंपल, फ्लैट फॉर्म, टेप वर्म। ये सब मोनोसियस एनिमल का एग्जांपल होगा। लेकिन अगर हम ऐसा दिखलाते हैं एक प्लांट पर सिर्फ मेल पार्ट दिखलाते हैं और एक प्लांट पर सिर्फ फीमेल पार्ट अगर दिखलाते हैं, प्लांट सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया। अब यहां पर आप प्लांट को कहेंगे डार्सिस। तो नाम क्या हो जाएगा? डार्सिस वर्ड आ जाएगा। डायमंड्स टू ओकाइज हॉर्स। तो वेन male and female sex organs are present on two different plants. अलग अलग प्लांट्स पर जब होगा तो नाम क्या हो जाएगा? डार्सियस। अब ऐसे प्लांट का एग्जांपल हम दें डार्सियस प्लांट के लिए, तो आंसर होगा पाम, पपाया, ये डार्सियस प्लांट के लिए एग्जांपल होगा। साइकस भी इसमें आएगा डार्सियस प्लांट के लिए। कभी कभी वर्ड सिमिलर आते हैं, जैसे वर्ड आएगा आपको होमोथैलिक,
वर्ड आ गया थैली, थैलस, एल्गी फंजाई को आप थैलोफाइटा कहते हैं, और थैलोफाइटा का जो प्लांट बॉडी होता है वो थैलस कहलाता है, और थैलस को हम लोग डिफाइन करते हैं कि व्हेन अ प्लांट बॉडी कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। जब एक प्लांट को उसके अलग अलग तीनों भाग रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड नहीं किया जाता है तो वर्ड आता है थैली। तो होमो में सिमिलर, सिमिलर थैलस का मीन्स है कि एक ही थैलस में मेल फीमेल दोनों पार्ट्स यानी सेक्स ऑर्गन होंगे। हो होमोथैलिक किसके इक्विवेलेंट टर्म आप देंगे? आंसर है यूनिसेक्सुअल के, बाइसेक्सुअल के क्या आंसर होगा? मोनोसियस के, डायोसियस के। तो होमोथैलिक मीन्स क्या होगा? मोनोसियस। और मोनोसियस का मीन्स क्या होगा? बाइसेक्सुअल। ये सब टर्म सिमिलर हो जाते हैं। जैसे पूछा जाए अर्थवर्म मीन्स, आंसर होगा बाइसेक्सुअल। अर्थवर्म मीन्स मोनोसियस। और एल्गी के केस में या फंजाई के केस में वर्ड हो जाएगा होमोथैलिक, जहां पर की थैलस बॉडी आता है, ये आपको याद रखना होगा। अगर हम सेम वर्ड हेटेरोथैलिक लिखें, हेटेरोथैलिक तो हेटरस मीन्स क्या हो जाएगा? डिफरेंट, अलग अलग थैलस, मेल फीमेल अलग अलग, तो आप इसको क्या कहेंगे? डायोसिस इक्विवेलेंट माने। और डायोसिस को आप क्या कहेंगे? यूनिसेक्स को। तो आपके बुक में जैसे वर्ड आएगा आप उसको आसानी से समझ लेंगे क्या होता है होमोथैलिक और क्या होता है हेटेरोथैलिक कंडीशन। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक प्लांट है जिसके अलग-अलग ब्रांच पर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन को दिखलाया गया है। इस पर आपको मेल दिखलाया गया है सेक्स ऑर्गन, और दूसरे ब्रांच पर फीमेल सेक्स ऑर्गन को दिखलाया गया है। तो प्लांट तो एक ही है, तो यहां पर प्लांट क्या हो गया? मोनोसियस। प्लांट मोनोसियस, लेकिन उसके जो ब्रांच हैं वो अलग अलग हैं, और दोनों एक ब्रांच पर मेल एक ब्रांच पर फीमेल सेक्स ऑर्गन को दिखलाए गए हैं। तो ब्रांच इज डायोसियस एंड देन कंडीशन कॉल्ड मोनोसियस बट ऑटोसियस। मोनोसियस बट ऑटोसियस, मोनोसियस बट ऑटोसियस। एग्जाम्पल के लिए पाइनस चीड़ का पौधा जिसको आप कहते हैं पाइनस को, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पाइनस। पाइनस में क्या होगा? तो आंसर है कि उसके प्लांट एक ही होंगे और सेपरेट ब्रांच पर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, इसलिए नाम हो जाएगा मोनोसियस बट ऑटोसियस। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, आप देखिए उसका आंसर, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है, आप देखिए आंसर कर पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन है कि व्हेन मल्टीन्यूक्लिएट बॉडी ऑफ एन एनिमल इज डिवाइडेड इनटू मल्टीन्यूक्लिएट ऑफ स्प्रिंग और प्रोजेनी।
प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग कॉल्ड गैस, आप क्या आंसर देंगे? तो आंसर होगा प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी आंसर देंगे आप। अब ये प्लाज्मोटोमी क्या होगा? अब खुद सोचिए कि एक ऑर्गेनिज्म पहले से बहुत बड़ा न्यूक्लियस वाला है, सोचिए इसमें 500 न्यूक्लियस हैं, जिसको आप कहेंगे न्यूक्लिया क्लोरेंस फॉर्म में, ठीक है? बाकी न्यूक्लियट पहले से कौन होगा? जैसे जॉइंट अमीबा, जिसको कहेंगे आप पैलोमिक्सा, जॉइंट अमीबा पैलोमिक्सा। अब ये मल्टी न्यूक्लियट है, अब इससे डिवीजन हुआ और इसके ढेर सारे बच्चे बने और सब में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। अब सोचिए 500 है तो टोटल 500 का हिस्सा जो होगा वो डिवाइड होगा 125 125 125 125। तो ऐसे कंडीशन में मल्टी न्यूक्लियट ऑफस्प्रिंग बन के तैयार हो गया। अब ये क्या करेगा? अपने न्यूक्लियस को फिर से डिवाइड करा करके प्रत्येक बच्चे अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करवा करके 500 तक लेके आ जाएगा, तब वो पैरेंट के जैसा हो जाएगा। अब इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे? प्लाज्मोटोमी। ऐसा ही कंडीशन कभी कभी कहा जाता है कि मल्टीपल फ्यूजन कहाँ होता है। क्वेश्चन हो जाए कि मल्टीपल बाहरी फ्यूजन में हमने आपको क्या बताया था, एक पैरेंट दो बच्चे को पैदा करते हैं। अब है मल्टीपल फ्यूजन, एक पैरेंट से कई बच्चे पैदा होंगे, वो कब होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। मल्टीपल फ्यूजन अकर्स इन तो यहां के लिए आंसर आप क्या देंगे? तो मल्टीपल फ्यूजन अमीबा में भी हो सकता है और अमीबा में यह अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, लेकिन यहीं पर अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करेंगे, जैसे कि मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, तो वहां पर यह फेवरेबल कंडीशन में होगा। फेवरेबल कंडीशन, ये आप आंसर कर सकते हैं। मल्टीपल फ्यूजन का मीन्स क्या हुआ कि बॉडी अभी एक न्यूक्लियस वाला है, यह अनफेवरेबल कंडीशन में अपने बॉडी को कई सिस्ट से घेर लेगा। अब ट्राई लेयर सिस्ट हो जाएंगे, तीन लेयर वाला अगर सिस्ट हो गया, अब ये न्यूक्लियस अंदर में डिवाइड करेगा। अब न्यूक्लियस डिवाइड करके अब समझ रहे हैं कई हो जाएंगे, फिर उसको साइटोप्लाज्म घेरेगा और साइटोप्लाज्म घेर करके क्या करेगा? अलग अलग स्पोर तैयार कर देगा, सबको घेरेगा। और खुद बताइए, एक एक अमीबा है यहाँ, उसके ढेर सारे बच्चे हो जाएंगे और ये सब जो बना है बॉडी पर, ये क्या कहलाएगा? सिस, जो इसको प्रोटेक्शन देगा बच्चे को, तब तक जब तक की कंडीशन फिर से फेवरेबल रिटर्न नहीं होता। सिस्ट बनेगा तो कहेंगे इनसिस्टेशन, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा सिस्ट टूट के अलग हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे एक्स सिस्टेशन, एक्स ई एक्स एक्स सिस्टेशन बोलेंगे, तो सिस्ट खत्म हो जाएगा। इनसिस्टेशन बोलेंगे, सिस्ट बन जाएगा। तो नेक्स्ट डे आप ब्रिटेन्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू। आप एक बात और कहना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करें उन स्टूडेंट से भी जो अपने यहाँ नहीं भी पढ़ते थे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रहा है, सब लोग अभी दिक्कत में है कोरोना वायरस के कारण, इसलिए आपके अगल बगल में कोई भी स्टूडेंट हो तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कराएं, उनको आप बताएं। और कोई भी फ्रेंड आपका हो जिसको ये जानकारी अभी तक नहीं मिला हो कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है, आप उसको ये जानकारी जरूर दें। थैंक यू।